वाह बीरबल वाह, 3 दिन लगातार शिकार करने में मजा ही आ गया। आहा, ओह, 3 दिन तक, अरे क्या खाक मजा आया बुबू। 3 दिन तक आप अपने तंबू में आराम ही करते रहे, एक तीतर तक नहीं मारा आपने। शिकार पर हम अकेले जा रहे थे, अब हम तंबू में आराम करें या बंबू पर चढ़ें या जंगल के जंगली लोगों के साथ हम नाचें, हमारी मर्जी। आप तो किसने कहा था हमारे साथ आने के लिए? लेकिन जा बना, अगर आपको आराम ही करना था तो महल में ही कर लेते, शिकार के लिए जाने की क्या जरूरत है? अरे बीरबल आप समझते नहीं है, यहाँ पर रानी साहिबा और सासू अम्मी हर वक्त हम पर सवार रहती हैं। उनके जुल्म और सितम से बचने के लिए तो हम यहाँ से बाहर गए थे, अब देखिए वापस आ गए हैं तो हमारा शिकार करने के लिए वो दोनों आती होंगी। सलीम के अब्बू, क्या कहा था हमने? आइए आइए रानी साहिबा, आइए बैठिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। तो आप भी बैठ जाइए। नहीं, हम यहीं पर ठीक है जहां पर। वैसे रानी साहिबा आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। तैयार है किस लिए? आपका शिकार होने के लिए। क्या? नहीं, हमारे कहने का मतलब है आपकी बातें सुनने के लिए। सलीम के अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया जीवन क्या है। जीवन तो बस एक संघर्ष है। और जीवन क्या है? जीवन तो रोटी कपड़ा और मकान है। बहना आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? हम समझ गए रानी साहिबा ऐसा क्यों कह रही। क्यों? क्योंकि आज रानी साहिबा नहीं बल्कि सासू अम्मी हमारा शिकार करेंगी। आप दोनों ने आपस में ही तय कर लिया है, एक दिन आप हमारा शिकार करेंगी, अगले दिन वो हमारा शिकार करेंगी। वैसे कहाँ है सासू अम्मी, दिखाई नहीं दे रही? मुझे बताया बुबू, दादी सा अपनी तलवार की धार लगाने के लिए गई हुई है। हाँ, आपका शिकार करने के लिए, क्योंकि अगर तलवार की धार नहीं लगेगी तो उनको आपका शिकार करने में मजा नहीं आएगा ना। ओए वासु, मासा हमारी छोटी मासी के यहाँ भोजपुर गई है, कुछ दिनों के बाद आएगी। सच? मतलब रानी साहिबा आज वैसे भी आपने ये हुलिया क्या बनाकर रखा है? कहीं हमारी गैर हाजिरी में हमारे महल में चोरी तो नहीं हो गई? ये कोई चोर आया और आपके कपड़े गहने चुरा कर ले गया? हाँ, जहां बना हमने फैसला किया है कि आज के बाद हम गरीबों की तरह रहेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, आप सब भी। आप जहां बना, भाई साहब आप, वासु तुम, और जब सलीम आएगा तो वो भी गरीबों की तरह रहेगा। क्या हम जान सकते हैं कि आप पैसा क्यों चाहती हैं हमसे? हाँ, उसके लिए आपको वो जानना होगा जो हमारे साथ कल हुआ है। अब्दुल कैसे हो? हरे राम, सब ठीक? आओ आओ। वाह वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है। संजना, अंशिका, इतने दिनों के बाद रियासत का दौरा करने निकले। चलो चलो, देखते हैं हमारी रियासत में कौन क्या कर रहा है। ओए, देख के नहीं चल सकती क्या? देख कर तो आप भी नहीं चल रही थी रानी साहिबा, या फिर शायद हम गरीबों पर आपकी नजर ही ना पड़ती हो। आप ठहरी रानी साहिबा, कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम हमसे। तुम जानती भी हो इसके लिए तुम्हें सजा हो सकती है। आप जो चाहे कर सकती हैं रानी साहिबा, महल में ये ऐशो आराम की जिंदगी जीना, ये महंगे कपड़े, ये साड़ियां, ये सब पहनना, हम गरीबों को अपने पैर की जूती समझना, इसके अलावा आपको आता क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ,
आप इस तरह की बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप रानी हैं। एक महीना, सिर्फ एक महीना गरीबों की जिंदगी जीकर दिखाइए रानी साहिबा। अमीर रानी तो आप हैं ही, अब गरीबों की रानी बनकर दिखाइए। एक महीना, सिर्फ एक महीना। क्या हुआ रानी साहिबा, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, बोलती बंद नहीं हुई है। हम गरीबों की रानी बनकर दिखाएंगे आप। एक महीना ना, एक महीना ही सही। और हम नहीं, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार गरीबों की जिंदगी जी कर दिखाएगा। जाओ रियासत में जाकर लोगों को कह दो कि आज से क्या, अभी से ये रानी साहिबा गरीबों की रानी है, गरीबों की रानी। हाँ जहां पना, ओह लाइए कि पैर दीजिए। रानी साहिबा, आपने एक सब्जी वाले के साथ शर्त लगाई है। मुआफी जाएंगे रानी साहिबा, लेकिन इस शर्त में हम आपका साथ नहीं दे सकते। मुझे पता है भूभी, मैं भी नहीं साथ दे पाऊंगा। ओ बहना, हम भी नहीं। नहीं ओए, हम पूछ नहीं रहे, बता रहे आप सबको, हमने गरीबों की रानी बनने का फैसला कर लिया है और आप सबको हमारा साथ देना होगा। और जिसने हमारा साथ नहीं दिया ना, हम मासा को बताएंगे, उसे मासा ही आकर समझाएगा। मुझे पता है भूभी, मैं तैयार हूँ। बेटा हम भी। लेकिन रानी साहिबा। बिरबल, आप कुछ नहीं कहेंगे। जहां पना, आप हमारे साथ हैं या हम मासा को बुलाए? हम आपके साथ हैं रानी साहिबा। अच्छा अच्छा, आप कुछ हमसे कहें और हम ना माने, कभी ऐसा हो सकता है? वाह, अरे सासू अम्मी जैसी पवित्र आत्मा को आप तकलीफ क्यों देती हैं? हम आपके साथ हैं। चलिए ठीक है, लाइए आपके हाथ भी दबा देते हैं। हमें क्या होना है? गरीब। हुजूर, कैसा लग रहा है आपको? खजूर की तरह। पिताजी, पिताजी। ठीक से बैठ। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, पूपी ने हमें ये गरीबों वाले कपड़े पहना दिए, देखो हम कैसे गरीब लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा गरीब तो आप लग रहे हो, क्योंकि कपड़ों के साथ साथ आपकी शक्ल भी गरीबों जैसी है ना। चुप कर, चुप कर। अरे पिताजी चुप तो आप करो, क्योंकि एक गरीब कभी दूसरे गरीब को ऐसा हुक्म नहीं कर सकता। और वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन्हें भी तो भूख लग रही होगी ना बेचारे। बीमा, खाना लगा हुआ है, शुरू हो जाओ। अरे ये क्या है, ये सूखी रोटी और सूखी चटनी? अरे हम ये खाना खाएंगे तो हमारे दिमाग की दही हो जाएगी, और यहाँ तो दही भी नहीं है खाने को। ये खाना है कोई भाई? क्या मजाक है, खाना कहाँ है? वजीरे आजम, रानी साहिबा ने यही खाना बनवाया है आप सबके लिए। उन्होंने कहा है कि गरीब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं, इसलिए आपको भी यही खाना पड़ेगा। तो महल के बाकी सब लोग भी यही खाना खाएंगे ना? नहीं नहीं बासु जी, ये खाना तो सिर्फ शाही परिवार के लोगों के लिए है। महल के बाकी लोगों के लिए तो बिरयानी, शाही पनीर, कोफ्ते, रुमाली रोटी, गुलाब जामुन। चुप, चुप। दास, तुम जाओ, जाओ। ए भाई, थोड़ी बिरयानी ले जाना। ये बहना क्या कर रही है? हमारे लिए सूखी रोटियां और चटनी, और सारे महल वाले दावतें उड़ा रहे हैं। भूख लग गया मेरा लिए। क्या है?